फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग 98-99% में आ रहे हैं, उन लोगों का नंबर्स कहीं ना कहीं पे डिक्रीज हुआ है सीबीएसई के एग्जाम में। तो कोविड का इम्पैक्ट तो हर जगह पे है, हम लोगों पे भी है। अनूप सर आप बताइए। अगेन आई वॉन्टेड टू एट द सेम पॉइंट कि कोविड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। इट्स नॉट ओनली ऑन एकेडमिक्स, मेंटली भी बहुत सारे इशूज हुए हैं बच्चों को। कितने सारे ऑनलाइन क्लासेस हुए, उसके साथ साथ जब हम ऑनलाइन उनके ग्रुप कॉल्स लेते थे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती थी उनको घर पे पढ़ने में, घर के माहौल में, वो सारी चीज़ों को ओवरकम करना एंड इस तरह का रिजल्ट लेके आना। 96% इन सीबीएसई क्लास 10th, आई हैव नेवर इमेजिन्ड कि ऐसा भी पॉसिबल था। ओब्वियसली वी टारगेटेड फॉर 100%, लेकिन 96%, 91%, 89% बाय साक्षी, अभिलाषा 91%, भानु 87%, अनंत 85%, मतलब इतने सारे अच्छे नंबर्स और 100% रिजल्ट देना द प्रेसिडेंट के लिए उस एरिया में, उस माहौल में, कोविड को देखते हुए, ऑनलाइन पढ़ाई को देखते हुए, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा विन विन है हम लोगों के लिए। और इसके साथ एक और चीज जुड़ती है, जब विन विन होता है तो एक और चीज स्कूल के लिए जुड़ जाती है बहुत ही सिंपल बातों में, कि अब इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा कौन, कैसे ये टूटेगा रिकॉर्ड, कैसे हम लोग और भी मेहनत करें। और वो मोटिवेशन अभी करंट बैच जो कि 2023 का बैच है, जो कि हमारा सेकंड बैच है, इस बार तो कोविड से हमारा कोई ऐसा भी नहीं है कि क्लासेस नहीं चल रही है, वो सारे बच्चे हम बहुत ही क्लोजली हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या ये रिकॉर्ड टूट सकता है, और अगर टूट सकता है तो कौन तोड़ सकता है। इसके साथ एक और बात थी, वो ये कि जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ओलंपियाड करवाया था, ओलंपियाड एग्जाम, अपने पूरे क्षेत्र में पहली बार किसी स्कूल के अंदर ओलंपियाड एग्जाम हेल्ड हुआ था, और वो हमारा वेरी फर्स्ट ईयर था, हमारा अभी 10th क्लास आने में 2 साल और थे। तो ऐसे में हम चाहते थे कि कुछ बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया जाए, और ऐसे में ओलंपियाड हुआ जिसमें 22 स्टूडेंट्स इंटरनेशनली क्लेम, एक इतनी अच्छी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किए और इतना सारा बढ़िया स्कोर करके लेके आए, इवन इंटरनेशनल रैंक 1 भी आया। इवन आदर्स का रैंक जो अभी 96% है इनका सीबीएसई में, उस टाइम पे इनका इंटरनेशनल ओलंपियाड में रैंक 196 आया था। यस, तो 96 से इनका गहरा नाता रहा है। अभिलाषा का 208 था, साक्षी का आई थिंक आई रिमेम्बर समवेयर 300 का अराउंड था, 290 समथिंग। तो ये लोग उस टाइम पे भी, ये जो बैच था आप देखो, उस टाइम पे जो हमारा फर्स्ट बैच था, ये लोग फ्रेश किसी दूसरे स्कूल से आकर के वहां पे परफॉर्म किया इन्होंने, और 6-7 months हमारा करिकुलम में पार्टिसिपेट करने के बाद में ये एग्जाम हुआ था, और वहां से अगर आज देखा जाए 96% पे आना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और अभी जो भी नंबर्स हैं, कोविड के इम्पैक्ट को नलिफाई करने के लिए हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम बनाया था, अनुभव सर अगर वो बताएं, ब्रिज कोर्स और पाठशाला प्रोग्राम के बारे में, जो बच्चे कोविड के बाद में स्कूल आ रहे थे उनमें हम लोगों ने क्या क्या नोटिस किया, हैबिट, सीटिंग हैबिट्स, कॉन्सेंट्रेशंस, और क्या क्या गैप्स रह गए थे, और वो हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, और क्यों कॉन्फिडेंट है हम लोग कि हमारा नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट इससे भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए अनुप, रिकॉर्ड की जहां तक बात है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा।